99% हार चुकी थी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, लेकिन मयंक यादव की गेंदबाजी ने किया कमाल, जीता 21 रन से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जेंट्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 का 11वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने पंजाब किंग्स की टीम को 21 रनों से हराकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला निकोलस पुरन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे के एल राहुल, तो उनके साथ थे क्विंटन डिकॉक, जहां पर चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने सैम करन की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, तो उनके साथ के एल राहुल ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि रबाडा डालने आए थे क्विंटन डिकॉक ने, इनकी गेंद का भी शानदार आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आउटसाइड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने पहला इनिंग का छक्का जड़ा। इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर के एल राहुल ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर के एल राहुल ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने के एल राहुल को चलता कर दिया। इनको यहां पर बैरिस्टरों के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 9 बॉलों पर 15 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद क्विंटन डिकॉक का साथ देने मैदान पर उतरे देवदत्त पार्टिकल, जहाँ पर देवदत्त पार्टिकल ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। पाँचवें ओवर की दूसरी बॉल पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और दमदार चौका जड़ दिया। टीम ने यहां पर पावर प्ले में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया था, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर सैम करन ने देवदत्त पार्टिकल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर शिखर धवन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 6 बॉलों पर मात्र 9 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद क्विंटन डिकॉक का साथ देने मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस, लेकिन आज के मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने भी बेहतरीन शुरुआत करी थी, लेकिन यह भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हुए नहीं दिखे। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने सैम करन की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ा। सातवां ओवर यहां पर पूरी तरह से दमदार फॉर्म में उतरते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने अपने नाम पर किया। टीम ने 7 ओवर तक 60 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया था। तो इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्टोइनिस के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर स्टोइनिस ने एक और शानदार शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर यहां पर चहार ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए स्टोइनिस को LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 19 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद क्विंटन डिकॉक का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान निकोलस पुरन, जहां पर निकोलस पुरन ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर डिकॉक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए निकोलस पुरन ने भी यहां पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर निकोलस पुरन ने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर निकोलस पुरन ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार छक्का हमें यह देखने को मिला था।
12 ओवर तक टीम ने यहां पर 115 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद यहां पर टीम को तगड़ा झटका लगा था 14 ओवर की पहली गेंद पर, जहां पर अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया। इनको यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 38 बॉलों पर 34 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में निकोलस पूरन का साथ देने मैदान पर उतरे आयुष बदोनी, जहां पर 14 ओवर की तीसरी बॉल पर निकोलस पूरन ने यहां पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो वहीं पर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए निकोलस पूरन ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर रबाडा ने निकोलस पूरन को भी चलता कर दिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 21 बॉलों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आयुष बदोनी का साथ देने मैदान पर उतरे कुणाल पांड्या, जहां पर कुणाल पांड्या ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 16वें ओवर की पांचवी गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुणाल पांड्या ने एक और शानदार बाउंड्री जमाई, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर कुणाल पांड्या के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर कुणाल पांड्या ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद, जो कि सैम करण डाल ने आए थे, कुणाल पांड्या ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया, थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर सैम करण ने आयुष बदोनी का विकेट लिया, बैरिस्टरों के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, क्योंकि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर मात्र 8 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी बॉल पर रवि बिश्नोई को भी सैम करण ने चलता कर दिया, इनको भी यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी पहली गेंद पर ही पेविलियन की राह पर चले गए। तो इसके बाद आखिरी में पारी को संभालने आए थे मोइनसिन खान, जहाँ पर कुणाल पांड्या ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर कुणाल पांड्या ने शानदार शॉट खेला, कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर कुणाल पांड्या भी रन आउट हो गए, जो आज के मुकाबले में एक बॉल पर मात्र 2 ही रन बना सके थे। तो आखिरी में टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 2 रन कुणाल पांड्या ने अपने खाते में जोड़े, और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम ने आज के इस मुकाबले में अपने 8 विकेट खोने के साथ ही 199 रन बना दिए, यानी कि यहां पर 200 रनों का टारगेट पंजाब किंग्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहां पर पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान शिखर धवन, तो उनके साथ थे जॉनी बेयरस्टो, जहां पर शिखर धवन ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरते हुए दूसरे ओवर की पांचवी बॉल, इसके बाद आखिरी बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेयरस्टो ने भी शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौके जड़े। तो इसके बाद यहां पर एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे शिखर धवन ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार आगाज किया, सिद्धार्थ की गेंद का बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर शिखर धवन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शिखर धवन ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम ने 3 ओवर तक ही 30 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल, जो कि मोइनसिन खान डालने आए थे, बेयरस्टो ने भी शानदार आगाज किया, दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शानदार पार्टनरशिप होती हुई दिखी, दोनों खिलाड़ियों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 6 ओवर तक ही 60 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया, यानी कि यहां पर दोनों के बीच पहले तो 50 पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी,
तो इसके बाद 8वें ओवर के 4थे गेंद पर शिखर धवन ने एक बार फिर रवि बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ शिखर धवन ने अपनी 50 भी जमाई। तो इसके बाद बैरिस्टो ने भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर शानदार पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। 10 ओवर तक टीम ने यहां पर 95 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि रवि बिश्नोई डालने आए थे, शिखर धवन ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए अपने 2 रनों के साथ ही एक बार फिर यहां पर शतक की साझेदारी हुई। यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर शानदार शतक की साझेदारी करी, लेकिन इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे मयंक यादव, जहां पर 12वें ओवर की 4थी गेंद पर बैरिस्टो को इन्होंने स्टोइनिस के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 29 बॉलों पर 42 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद शिखर धवन का साथ देने मैदान पर उतरे प्रभ सिमरन सिंह, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन ने चौके के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो इसके बाद यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर प्रभ सिमरन सिंह ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था। रवि बिश्नोई की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन यहां पर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक यादव ने प्रभ सिमरन सिंह को भी चलता कर दिया, नवीन उल हक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 7 बॉलों पर 19 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद शिखर धवन का साथ देने मैदान पर उतरे जितेश शर्मा, जहां पर जितेश शर्मा ने भी 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो उनके साथ ही यहां पर शिखर धवन ने भी शानदार शॉट खेले थे, लेकिन यहां पर 16वें ओवर की 4थी बॉल पर मयंक यादव ने दमदार फॉर्म में चल रहे थे जितेश शर्मा को भी नवीन उल हक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 9 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। अब पंजाब किंग्स की टीम जहां पर 15 ओवर तक 140 रनों के पार स्कोर को पहुंचाने में सफल रही थी, यानी कि अब आखिरी 25 बॉलों पर टीम को यहां पर जीत के लिए जरूरत थी 61 रनों की। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोइनसिन खान ने शिखर धवन को भी क्विंटन डिकॉक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 50 बॉलों पर 70 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। आखिरी में सैम करन पारी को संभालने आए थे, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन भी आज के मुकाबले में निकोलस पूरन के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में लियाम लिविंगस्टोन पारी को संभालने मैदान पर उतरे, लेकिन यहां पर शशांक सिंह और लियाम लिविंगस्टोन भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और टीम के बाद एक विकेट गिरे और पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने इस महामुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम टॉप 4 में शामिल हो पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।